और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात में रसूलाबाद तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस समाधान दिवस में क्षेत्रीय विधायक पूनम संखवार ने क्षेत्र से आए किसानों फरियादियों की शिकायत सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी एवं संबंधित कर्मचारियों को उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वो लगातार देख रही हैं कि अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित हैं, कहीं अवैध कब्जे तो कहीं भूमि की पैमाइश की शिकायतें हैं, जिस पर उन्होंने संबंधित लेखापाल को सख्त आदेश करते हुए कहा कि भूमि की पैमाइश एक टीम बनाकर गुण दोष के आधार पर मौके पर ही दोनों पक्षों को संतुष्ट करें, यदि इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो पुलिस बल लेकर समस्या का निस्तारण किया जाए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को साथ ही भवन स्वामियों को घरानियों का वितरण करते हुए कहा कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा संचालित कराई जा रही महत्वाकांक्षी घरौली योजना मील का पत्थर साबित हुई है। आम नागरिकों को उनके खेतों की खतौनी मिलती है, वैसे ही अब उनको अपने घर का स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल रहा है, जिसके अनेकों फायदे हैं। यहाँ घरौनी मिलने से किसान अपने घर का स्वामित्व पा रहा है, तो वहीं इस अवसर पर क्रेडिट कार्ड भी मिल सकेगा, आगे कोई विवाद की स्थिति भी नहीं रहेगी। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आज मैंने जन सुनवाई किया और आज यहाँ के हमारे जो भी भाई आए उनको आज अपने घर का घनौनी दिया। जैसे कि अभी तक वो खेत में खतौनी पाते थे, अब वो अपने घर के भी एक मालिक हो गए, एक पता हो गया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहल से और माननीय प्रधानमंत्री की पहल से और माननीय मुख्यमंत्री की पहल से हर व्यक्ति को घनौनी का अधिकार मिला, उसका एक पता होगा, उसका एक अपना घर होगा। उस घर पे भी जैसे अभी तक लोग अपने खेतों में खतौनी पे लोन वगैरह ले सकते थे, इसी तरीके से अब वो अपने घर के मालिक हो गए।